हेलो फ्रेंड्स, अभी अपनी लाइब्रेरी में मैं देखा तो एक किताब जो मैंने अभी कुछ वर्षों पहले पढ़ी थी, उस किताब का नाम है द फोर अग्रीमेंट्स, रिटन बाय डॉन मिगल। देखिए, किताब मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ, यदि आपने नहीं पढ़ी है किताब तो आपको ये पुस्तक ज़रूर पढ़नी चाहिए, द फोर अग्रीमेंट्स। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसने ना इस किताब ने बहुत सिंपल भाषा में सिर्फ चार सुझाव दिए हैं, चार समझौते यदि आप अपने साथ कर लें, चार कमिटमेंट यदि आप अपने साथ कर लें तो आप अपने जीवन को बहुत हद तक प्रभावशाली बना सकते हैं। तो वो चार अग्रीमेंट जो ये किताब सजेस्ट करती है, अगर मैं आपको उसकी समरी में बताना चाहूँ तो पहला कमिटमेंट, पहला अग्रीमेंट जो आपको अपने साथ करना चाहिए, बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड्स। बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड्स का मतलब आप जो कहें उसके साथ उसकी मर्यादा को निभाएं, वही कहें जो आप जानते हैं कि सत्य है, और जो कहें उसको जरूर करें, और उतना ही कहें जितना आप जानते हैं। अर्थात आप अपने शब्द को कीमती बनाइए। अगर आपने किसी को जबान दी है, जैसे हम लोग साधारण भाषा में नहीं कहते हैं कि भाई इसको जबान दे दी है, लेकिन आप देखेंगे हमारे आसपास कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी जबान की कोई कीमत महसूस नहीं होती। उन्होंने अगर आपसे कहा है कि मैं 5:30 बजे आपको मिलूंगा तो 6:30 बजे दांत खींची करते हुए आ जाएंगे, लेकिन कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती कि मैंने आपको एक कमिटमेंट की थी 5:30 बजे मिलने की। और इसका नुकसान क्या होता है, जब आप अपने शब्द को कीमत नहीं देते तो लोग भी फिर आपके शब्द की कीमत नहीं समझते। तो यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात रखें, आपकी बात का मान रखें, तो आपको बहुत जरूरी है कि कम से कम आप अपनी बात का मान जरूर रखें, और वही कहें जो आप जानते हैं, वही कहें जो आप कर सकते हैं, और ये जो अपनी वाणी है और शब्द है इसका इस्तेमाल करिए लोगों के जीवन में कुछ ऊर्जा बढ़ाने का, कुछ उमंग तरंग बढ़ाने के लिए, ना कि किसी के जीवन में हताशा और निराशा उत्पन्न करने के लिए। तो ये है पहला समझौता जो हमें अपने साथ करना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, डू नॉट टेक पीपल पर्सनली, डू नॉट टेक एनीथिंग पर्सनली। देखिए, इसका मतलब जो मुझे समझ में आया वो ये है कि देखिए, जब कोई आपकी तारीफ करता है ना तो आप उस गदगद हो जाते हैं, उसको दिल में भी लेते हैं, दिमाग में भी लेते हैं। तो इसी तरह जब कोई फिर आपको क्रिटिसाइज करता है, आपकी निंदा करता है या आपको नेगेटिव फीडबैक देता है, तो फिर हम अगेन हमारे दिल पर कई बार चोट लग जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में से कोई ऐसा है जिसने कभी खराब मूड में भी किसी को अच्छा फीडबैक दिया, बहुत मुश्किल है। क्यों? इसका मतलब क्या है, जब कोई आपकी तारीफ कर रहा है ना, इसका मतलब पता क्या है, वो व्यक्ति खुद अच्छे मूड में है इसलिए आपकी तारीफ भी कर रहा है। और अगर कोई आपके बार बार निंदा भी कर रहा है तो जरूरी नहीं कि सिर्फ आपके कारण ही है, उसका अपना भी एक निजी जीवन है, एक बैकग्राउंड हो सकता है, पता नहीं कौन सी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। तो आप हर व्यक्ति की हर बात को पर्सनली ना लें, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप किसी की बात को सीरियसली ना लें। इसका मतलब सिर्फ यही है कि यदि कोई वंस इन अ वाइल कोई ऐसी टिप्पणी कर देता है जो रेगुलर नहीं है आपके साथ, तो उसको इतना पर्सनली ना लें। नंबर तीन, डू नॉट मेक अजम्पशंस। आप ना मान के ना चलें कुछ चीजों के बारे में। आपको जीवन में अपने साथ एक समझौता कीजिए कि मैं अजम्पशंस में नहीं चलूंगा, मैं चीजों को मान के नहीं चलूंगा कि हाँ ये हो ही जाएगा या ये हो ही रहा है, मैं उसको वेरीफाई करूंगा। अगर कोई मुझसे कुछ कह रहा है और वो मुझे चीज समझ में नहीं आती है तो मैं उससे सवाल पूछ लूंगा, मैं अपना डाउट को कम्युनिकेट करूंगा, लेकिन मैं अज्यूम नहीं करूंगा कि इसने शायद ये सोच के कहा होगा। यदि आपको किसी की कही हुई कोई बात समझ में नहीं आई है या बुरी लग गई है, तो इससे पहले कि आप कोई राय बनाएं या प्रतिक्रिया करें, अज्यूम ना करें, उस व्यक्ति से उसके बारे में वेरीफाई कर लें। तो ये तीसरा समझौता अपने साथ कीजिए कि मैं कभी भी मान्यताओं में नहीं रहूंगा, मैं चीजों को मान के नहीं चलूंगा, धारणाओं में नहीं रहूंगा, मैं उसको वेरीफाई करूंगा। ओके? और चौथा समझौता, ऑलवेज डू योर बेस्ट। आप अपना हमेशा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कीजिए। और देखिए, जब मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि हो सकता है जो मेरा सर्वश्रेष्ठ है वो किसी और के सर्वश्रेष्ठ से बहुत कम हो, लेकिन इतनी जिम्मेदारी मेरी जरूर है कि मैं जो करूंगा उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ जरूर दूं। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप हर वो काम कर रहे हैं जो आप कर सकते हैं अपनी सेहत के लिए, तो मैं जानता हूं आपका जवाब होगा कि नहीं, ऐसा बहुत कुछ है जो मैं चाहूं तो कर सकता हूं लेकिन किसी ना किसी कारण से करता नहीं।
क्या आप अपने कैरियर के लिए, अपने परिवार के लिए अपना बेस्ट दे रहे हैं या उतना ही कर रहे हैं जितने से काम चल जाए। तो अगर आप अपने साथ ये कमिटमेंट करें कि आई विल गिव माई बेस्ट इन वॉट एवर आई डू, जो भी मैं करूंगा उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा, तो आप मान के चलिए कि हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन प्रगति होगी, खुशहाली बढ़ेगी और हमारे आसपास का वातावरण भी खुशहाल भी होगा और प्रगतिशील भी होगा। सो आप इन चारों एग्रीमेंट्स को ध्यान रखिए। सबसे पहला, जैसा मैंने कहा है, बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड्स, अपने शब्दों का मान रखिए, वही कहिए जो आप जानते हैं या कर सकते हैं। नंबर दो, डू नॉट टेक एवरीथिंग पर्सनली, हर किसी ऐरे गैरे, हर किसी एक आधे कमेंट को पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है, उससे आप अपनी ऊर्जा का नुकसान करते हैं। नंबर तीन, डू नॉट लिव विद अजम्पशंस, कोई भी चीज मान्यताएं मान के ना चले, धारणाएं मान के ना चले, उसको वेरीफाई करें, सामने वाले से या तो प्रश्न पूछ लें या अपना डाउट को कम्युनिकेट करें, मान के मत चलो कि ये सोच के कहा गया होगा। और नंबर चार, जो भी करें उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ करें। थैंक यू।